यहाँ पे सब कुछ खुद से करना होता है। यहाँ जैसे प्लेट, ये हो गई प्लेट, ये ग्लास और ये एक कटोरी, ये यार यहाँ पे अगर आप उस जगह देख रहे हो तो वहाँ पे आपको धुआं जैसा उठता हुआ दिख रहा होगा। है पीपल व्हाट्सअप, अभी हम लोग हैं मणिकर्ण गुरुद्वारा में और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी मस्त व्यू है। गुरुद्वारा कहाँ पे सिचुएटेड है एंड बोला जाता है कि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स निकलते हैं, इसका मतलब कि नीचे अगर आप देखोगे ये जो पानी है ये पार्वती रिवर का एकदम ठंडा पानी है, लेकिन वहाँ अंदर में अगर आप देखोगे कुछ स्विमिंग पूल तरह का दिख रहा होगा, वो है हॉट वाटर स्प्रिंग। तो लोग यहाँ पे बेसिकली नहाने आते हैं गर्म पानी में एंड लंगर में खाना भी खाने आते हैं। तो अब मैं आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ। यहाँ पे देख, ये जो पानी है इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। आप यहाँ पे नहाने के लिए काफ़ी जिगरा चाहिए क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। वैसे हाथ वाथ आप यहाँ दे सकते हो आओगे जब। ये हम लोग गुरुद्वारे के अंदर घुस गए हैं। यहाँ पे दरबार साहिब, गुरु का लंगर और रूम बुकिंग, तीन चीज़ें हैं। नीचे में था लंगर वाला हॉल जहाँ पे लंगर लगता है और ये है गुरुद्वारा। ये कपड़ा है जो यहाँ मिला है। हाँ तो ये ले ले भाई, और आप इसे कपड़ा ही लाते हो तो यहाँ पे कपड़ा भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से लेके लगा सकते हो। गाइस ये गुरुद्वारा का बैक साइड है, आप लोग देख सकते हो कि क्या फ्लो है यहाँ पानी का, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। ऊपर पहाड़ है, यहाँ पानी है, पीछे गुरुद्वारा है, और क्या चाहिए। यहाँ पे सब कुछ खुद से करना होता है। यहाँ जैसे प्लेट, ये हो गई प्लेट, ये ग्लास और ये एक कटोरी, ये तीन चीज़ें आप ले लो एंड फिर आप जाके बैठ जाओ, आपको अपने आप सब मिल जाएगा। यार यहाँ पे अगर आप उस जगह देख रहे हो तो वहाँ पे आपको धुआं जैसा उठता हुआ दिख रहा होगा, वही है हॉट वाटर स्प्रिंग।